हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी भाषा माधुरी भाग दो की पुस्तक का पेज नंबर 10 का पाठ 2, जिसकी कहानी कंजूस करोड़ी मल्ल है, खोल लीजिए। बेटा, पिछली कक्षा में हमने कंजूस करोड़ी मल्ल की कहानी पढ़ी और समझी थी और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को डिस्कस किया था और समझा था। आज इस कक्षा में हम इससे आगे की एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। हमारी पहली एक्सरसाइज है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान मींस वर्ड मीनिंग। बेटा, इस एक्सरसाइज में हमने दिए गए शब्दों के पहले शब्दों के अर्थ लिखने हैं, फिर उसके बाद उन शब्दों के वाक्य बनाएंगे। वाक्य मींस सेंटेंस। पहले हम शब्द का अर्थ लिखेंगे, फिर उसी शब्द का हम वाक्य बनाएंगे। हमारा पहला शब्द है चमड़ी। चमड़ी का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? खाल। खाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्किन। चमड़ी मीन खाल, खाल का मीनिंग स्किन। अब इसका वाक्य यानी सेंटेंस बनाएंगे। छोटे बच्चों की चमड़ी यानी कि स्किन नाजुक होती है। वाक्य क्या बनाया चमड़ी का? छोटे बच्चों की चमड़ी नाजुक होती है। नेक्स्ट वर्ड दमड़ी। दमड़ी मींस पैसा। दमड़ी का अर्थ क्या हुआ? पैसा। पैसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैनी। इसका वाक्य यानी कि सेंटेंस बनाएंगे। रमन किसी को एक दमड़ी तक नहीं देता है। यानी कि रमन इतना कंजूस है कि वो किसी को एक दमड़ी यानी कि एक पैसा तक नहीं देता है। बेटा, पहले दो शब्दों को हमने लिखकर समझा। इसके बाद मैं आपके बाकी वर्ड्स की डिस्कशन करूंगी। बेटा, ये वर्ड्स अपने अपनी मम्मी पापा की हेल्प से अपनी कॉपी पर पहले इसके अर्थ लिखेंगे, फिर इसके वाक्य बनाएंगे। एक बार मैं आपसे इस वर्ड्स को डिस्कस करूंगी। पहले दो वर्ड हमने सॉल्व कर लिए, अब तीसरा वर्ड है अनसुना। अनसुना मीन्स ध्यान ना देना, टू इग्नोर यानी कि इग्नोर कर देना। इसका वाक्य बनाएंगे, रमन अपनी मम्मी की बात को अनसुना करके घर से चला गया। इसका एक और वाक्य बनाएंगे, बड़ों की बात को अनसुना नहीं करना चाहिए यानी कि इग्नोर नहीं करना चाहिए जो बड़े अगर समझाते हैं तो। नेक्स्ट वर्ड है मन मारकर। मन मारकर मजबूरी में यानी कि लाचार होकर। अनहैपिली, UNHAPPILY, अनहैपिली। मन मारकर का वाक्य बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। मन मारकर मुझे पिताजी की बात माननी पड़ी या मन मारकर मुझे उसके घर जाना पड़ा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मील। मील मींस दूरी की माप यानी कि मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मील का मतलब होता है एक दूरी का, एक दूरी जिसे मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस। मील का वाक्य बनाएंगे, मेरा स्कूल यहां से 2 मील दूर है। वाक्य क्या बनाया हमने मील का? मेरा घर यहां से 2 मील दूर है। एक और वाक्य बनाएंगे, मैं 2 मील चलकर मंदिर पहुंचा। अगला वर्ड है हर्ज। हर्ज मींस नुकसान। नुकसान का मीनिंग इंग्लिश में लॉस। दुकानदार को 5,000 रुपए का हर्ज हुआ। हर्ज का वाक्य क्या बनाया? दुकानदार को 5,000 रुपए का हर्ज यानी कि नुकसान यानी कि लॉस हुआ। अगला वर्ड फीस। फीस मींस मेहनताना, फी। इसका वाक्य बनाएंगे, पिताजी मेरे स्कूल की फीस दे दीजिए। या एक और वाक्य बनाएंगे, डॉक्टर की फीस 500 रुपया थी। इससे अगला वर्ड वसूल करना। वसूल करना मींस लेना, टेक। मालिक मकान ने किराएदार से किराया वसूल किया। बेटा, आपने इन शब्दों को अच्छी तरह पढ़ा। अब आप मम्मी पापा की हेल्प से इन शब्दों के पहले अर्थ लिखेंगे और फिर इनके वाक्य बनाएंगे। पहले दो मैंने आपको समझा दिए थे, बाकियों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, पाठ ज्ञान यानी कि कंप्रिहेंशन। इसमें पहली एक्सरसाइज है मौखिक क्वेश्चन। मौखिक मीन्स ओरल, वर्बल। पहला क्वेश्चन, पैसे की बचत करना क्यों जरूरी है?
पैसे की सेविंग करना क्यों जरूरी है? हम आंसर लिखेंगे क्योंकि पैसे जरूरत में काम आते हैं। बेटा अगर हमने पैसे सेव किए होंगे तो हम जरूरत पड़ने पर नीड में उसको यूज कर सकते हैं। तो पैसे की बचत करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पैसे जरूरत में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न, क्या आप अपने जेब खर्च से पैसों की बचत करते हैं? क्या आप अपने जेब खर्च में पॉकेट मनी से पैसों की बचत यानी सेविंग करते हैं? हमारा आंसर है जी हाँ। बेटा मैंने यहाँ पर सिंगल वर्ड आंसर लिखा है, पर आप इस आंसर को कॉपी पे पूरा लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे आंसर? जी हाँ, हम अपने जेब खर्च से पैसों की बचत करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करोड़ी मल का पैसे बचाने का तरीका ठीक था? क्या करोड़ी मल का पैसे बचाने का तरीका मेथड ठीक था? हमारा आंसर है जी नहीं। बेटा मैंने यहाँ पे वन वर्ड आंसर लिखा है, पर आप इस आंसर को पूरा लाइन में लिखेंगे। आपका आंसर क्या होगा? जी नहीं, करोड़ी मल का पैसे बचाने का तरीका ठीक नहीं था। ठीक है, अब आ जाइए लिखित रिटर्न पे, जो आप लिखते हो, राइट करते हो कॉपी में। इसका फर्स्ट है उत्तर लिखिए, यानी कि राइट आंसर्स, आंसर राइट करने। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेठ करोड़ीमल कैसे स्वभाव के आदमी थे? उनकी नेचर कैसी थी, उनका स्वभाव कैसा था? आंसर, सेठ करोड़ीमल बहुत ही कंजूस व्यक्ति थे, बहुत कंजूस आदमी थे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न, सेठ करोड़ीमल से नारियल किसने मंगवाया था? हमारा आंसर, सेठ करोड़ीमल से नारियल उनकी पत्नी, उनकी वाइफ ने मंगवाया था। अगला क्वेश्चन, समुद्र के किनारे नारियल की क्या कीमत थी, क्या कॉस्ट थी नारियल की? आंसर लिखेंगे, समुद्र के किनारे नारियल की कीमत 5 रुपए थी। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि सही शब्द चुनकर खाली स्थान को भरना है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, इसमें से सही ऑप्शन ढूंढ के हम खाली स्थान में भरेंगे। हमारा पहला खाली स्थान, सेठ करोड़ीमल ऐसे ही डैश नहीं बन गए, क्या नहीं बन गए, कामचोर या सेठ? हमारा आंसर क्या आएगा? सेठ करोड़ीमल ऐसे ही सेठ नहीं बन गए, वो कंजूसी कर करके सेठ बने थे। अगला खाली स्थान, चमड़ी भले ही चली जाए लेकिन डैश नहीं जानी चाहिए, क्या नहीं जानी चाहिए, पगड़ी या दमड़ी? हमारा आंसर क्या आएगा? दमड़ी। सही आंसर यहाँ पे फिल कीजिए। अगला खाली स्थान, एक दिन सेठानी ने उनसे एक डैश लाने को कहा, सेठानी ने क्या मंगवाया था, नारियल या अमरूद? सही ऑप्शन को यहाँ पर फिल कीजिए। अगली एक्सरसाइज पे आ जाइए, सही कथन पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहली लाइन, सबसे पहले नारियल वाले ने नारियल के दाम 15 रुपए बताए, ये क्या है, गलत है या सही है? ये गलत है, क्योंकि सबसे पहले नारियल वाले ने नारियल के दाम 10 रुपए बताए थे, इसलिए ये गलत है। यहां पर गलत का चिन्ह लगाएंगे, गलत का निशान लगाएंगे। अगला, सेठ पेड़ से गिर गए, हाँ जी सेठ पेड़ से गिर गए थे, जब वो पेड़ पर चढ़ गए थे तो वो पेड़ से गिर गए थे, ये सही है। यहां पर सही का निशान लगाएंगे, कौन सा, ये वाला, ये सही का निशान है, ये गलत का निशान है। अगली लाइन पे आते हैं, सेठानी भी नारियल लेने गई थी, सेठानी भी नारियल लेने गई थी, नहीं सिर्फ सेठ जी गए थे नारियल लेने, तो ये गलत है। यहां पे कौन सा चिन्ह लगाएंगे, गलत का। पहला हमारा गलत, दूसरा सही और तीसरा गलत। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है भाषा ज्ञान, यानी कि ग्रामर, व्याकरण। पहली एक्सरसाइज, कहानी में आए अंग्रेजी भाषा के इन शब्दों का उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन कीजिए और इनके हिंदी अर्थ मीनिंग पता कीजिए, यानी कि पहले हम इस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसकी इसका उच्चारण करेंगे, इसको बोलेंगे, फिर इसका हिंदी में अर्थ बताएंगे। हमारा पहला शब्द है मार्केट, मार्केट को हिंदी में क्या कहते हैं, बाजार, मार्केट को हिंदी में क्या कहते हैं, बाजार। हमारा अगला शब्द है डॉक्टर, मेरे पीछे बोलिए डॉक्टर, डॉक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, चिकित्सक, चकु छोटी ई कक्कु छोटी ई आधा त स क, चिकित्सक। डॉक्टर को वैद्य भी बोलते हैं, व को ए और द्य, वैद्य।
अगली एक्सरसाइज पे आ जाइए। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, उल्टे अर्थ वाले शब्द। बेटा विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टे अर्थ वाले, ऑपोजिट मीनिंग। पहला है ज्यादा, इसका उल्टा क्या होगा? कम। आगे का पीछे, महंगा सस्ता, नीचे ऊपर। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के एक से अनेक बनाइए, यानी नीचे दिए गए जो शब्द हैं उनका वन एक से वन से मैनी बनाने हैं, अनेक बनाने हैं, एक से ज्यादा बनाने हैं हमने। हमारा पहला शब्द है हड्डी। हड्डी क्या होती है? बोन। यहां पर सिंगल के बारे में बोला गया, वन के बारे में बोला गया। अब इसको मैनी में चेंज करेंगे, हड्डी का हड्डियां। ह ड के पैर में हलन, ड को छोटी ई, यको आ, ऊपर छान बिंदु, हड्डियां, हड्डी का हड्डियां। अगला वर्ड हजार। हजार का हजारों, ह जको आ, र को छोटी ओ, ऊपर बिंदी, हजारों। आदमी वन है, इसको मैनी में चेंज करेंगे, आदमी का आदमियों, बड़ा आ, द, म को छोटी ई, य को छोटी ओ, बिंदी, अंक, आदमी का आदमियों। अंक, आंख का आंखें, अखवा, ऊपर चांद बिंदु, ख को छोटी ए, ऊपर बिंदी, आंख का आंखें। वन टू मैनी। पैर, पैरों, पको ए, रको छोटी ओ, ऊपर बिंदी, पैरों। गिर, गिरे, गिर मीन्स वन, गिरे मीन्स मैनी। जैसे मैं कहती हूं पेड़ से एक आम गिर गया, तो मैंने एक आम के बारे में बात की, पर अगर मैं कहूं कि पेड़ से पांच छह आम गिरे तो यहां पर ज्यादा आम की बात हो रही है ना, ज्यादा मैंगोज की बात हो रही है। तो गिर वन, गिरे मैनी। तो प्यारे बच्चों, हमने पार्ट नंबर दो कंजूस करोड़ी मल के शब्द ज्ञान, वर्ड मीनिंग सेंटेंसेस सॉल्व किए, समझे? ये आप अपने मम्मी पापा की हेल्प से इन शब्दों के पहले अर्थ लिखकर वाक्य कॉपी पर बनाएंगे। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया मौखिक क्वेश्चन यानी कि ओरल क्वेश्चन, फिर हमने रिटन क्वेश्चंस डिस्कस किए और समझे, इसके बाद हमने खाली स्थान डिस्कस किया और समझे, फिर हमने सही गलत चिन्ह लगाइए ये डिस्कस किया, इसके बाद हमने भाषा ज्ञान में से अंग्रेजी भाषा का उच्चारण किया और इनके अर्थ समझे, फिर हमने उल्टे अर्थ वाले शब्द समझे और इसके बाद हमने वचन बदलो समझे। बेटा आपने इन सभी एक्सरसाइज की अच्छी तरह रिवीजन करनी है और इसको अच्छी तरह समझ के अपनी कॉपीज पर लिखना है। नेक्स्ट कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।